स्वागत है आपका हमारे सीटी चैनल में, और हम आज वॉइस के तीसरे पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें हम लोग इस वॉइस के तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट के बारे में। देखेंगे सिंपल पास्ट का सबसे पहले जो इसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहला इसका जो एक्टिव पैटर्न होता है वो सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव पैटर्न जो इसका है। इसके बाद इसका होता है पैसिव पैटर्न। तो पैसिव पैटर्न इसका हो जाता है यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ ला देंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, उसके बाद वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर वी थ्री का प्रयोग करते हैं, फिर बाई और फिर एजेंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, तो जो पहला एग्जाम्पल है एक्टिव का वो है ही टॉट मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉट जो है ये क्या है, टॉट ये यहाँ पर ये वी टू है और ये जो है सब्जेक्ट है आपका और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये वी टू है, इसे हम कहेंगे ये जो है सिंपल पास्ट पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई हो जाएगा, आई के साथ वाज लगता है, यहाँ पर देखिए वाज है, वाज यहाँ लगा देंगे। उसके बाद से वी थ्री, तो टॉट का वी थ्री टॉट ही होता है, तो टॉट यहाँ लिख देंगे। इसके बाद बाई और फिर एजेंट यानी कि सब्जेक्ट को, एक्टिव वाक्य के सब्जेक्ट को हम पैसिव वाक्य का एजेंट बना देते हैं। तो यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा, तो यहाँ पर एजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है सी रोट ए लेटर, यानी कि सी यहाँ सब्जेक्ट है, रोट वी टू है और ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। इसको हमें पैसिव में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पैसिव में बनाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ए लेटर को हम सब्जेक्ट बना देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट था ये। उसके बाद से ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, और इसके बाद से वी थ्री, तो रोट का वी थ्री क्या होता है, रिटर्न होता है, फिर बाई और फिर यहाँ सी का जो है ये सी सब्जेक्ट है, तो इसे हम क्या करेंगे एज ए एजेंट रख देंगे यहाँ पर हर के रूप में। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर है राधा हेल्प यू, तो इसका आप लोग बताएंगे कमेंट में कि राधा हेल्प यू का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो इसका हम बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है ऑब्जेक्ट है यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद से वाज या वर लगता है, तो यू जो प्लुरल सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या लगेगा, वर लगेगा। फिर इसके बाद से वी थ्री, हेल्प का वी थ्री हेल्प यू होता है, फिर बाई और फिर एजेंट क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है राधा, यहाँ पर एजेंट के रूप में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद है पॉजिटिव, बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे हम कि नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव पैटर्न इसका क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद क्या होता है डिड नॉट लगता है इसके साथ, और फिर वी वन लगता है, यानी कि डिड लगने के बाद वी टू जो होता है वी वन बन जाता है, इसको याद रखिएगा, वी टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे डिड के बाद, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो पैसिव बनाने के लिए निम्नलिखित पैटर्न है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब का यूज़ करते हैं, इसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं, फिर वी थ्री, फिर बाई और फिर एजेंट हो जाता है। तो ये आपका इसका पैसिव पैटर्न है, और ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो है ये इसका एक्टिव पैटर्न है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है सी डिड नॉट हेल्प मी, ये देखिए यहाँ पर है सी डिड नॉट हेल्प मी, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो पैसिव इसका जब बनाएंगे तो होगा आई, यानी मी का आई हो जाएगा, इसके साथ वाज लगता है, वाज लगा दिया हमने, नॉट, फिर हेल्प का भी थ्री हेल्प होता है तो हेल्प यहाँ लगा दिया, फिर बाई और फिर एजेंट, यानी सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल है कि राम डिड नॉट राइट ए लेटर, अगला एग्जांपल है कि राम डिड नॉट राइट ए लेटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर, उसके बाद ए लेटर सिंगुलर है तो वाज लगेगा, उसके बाद नॉट आएगा नेगेटिव है, तो इसके बाद राइट का भी थ्री रिटर्न होता है, तो यहाँ रिटर्न लिख दिया, बाई एजेंट क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि नेगेटिव बना सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है सिंपल पास्ट टेंस का, आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैटर्न जो होता है वो होता है डिड प्लस, यानी डिड को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैटर्न सिंपल पास्ट टेंस में है। इसका पैसिव पैटर्न होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं वाज वर्ब का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद से क्या करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, यानी कि एक्टिव वाक्य के ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए, है ना, वैसे इसको कहा सब्जेक्ट ही जाता है। आगे है वी थ्री, ठीक है, इसके बाद से बाई और तब एजेंट का यूज किया जाता है जैसा कि आप सभी में करते आ रहे हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे यहाँ पर डिड यू बीट हिम, एक आपका एग्जाम्पल है एक्टिव में डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट फिर वी वन फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाना है पैसिव में, तो कैसे बनाएंगे पैसिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे पैसिव में बनाने के लिए, यहाँ देखिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो है हिम, तो इसके अनुसार ही आने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे वाज का यूज़ करेंगे, वाज के बाद हो जाएगा यहाँ पर, वाज के बाद क्या हो जाएगा वाज के बाद ही हो जाएगा क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है, और फिर बीट का भीतरी क्या होगा बीटेन होगा, यहाँ देख सकते हैं बीट का भीतरी बीटेन, और फिर बाई और फिर एजेंट, यहाँ इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे कि हम एजेंट के रूप में यहाँ पर लिख देंगे जैसा कि हम पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सेंटेंस आपका है वो है डिड सी टीस यू, ये भी एक्टिव में है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो पैसिव इसका हो जाएगा कि यहाँ पर यू जो है यू के अनुसार यहाँ पर वर लगेगा, वर के बाद यू आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट था तो इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, फिर यहाँ टीस का टॉट हो जाएगा वी थ्री, वी थ्री जो होगा टीच का वो क्या हो जाएगा टॉट हो जाएगा, इसके बाद से यहाँ बाई और तब फिर एजेंट, यानी सी का यहाँ पर एजेंट क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये था ये हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स अगर लगा होगा किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक्टिव पैटर्न होता है डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि वही पैटर्न होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, केवल ये करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यू एच वर्ड को लगा देते हैं। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो सेम पैसिव होगा, केवल डब्ल्यू एच वर्ड्स को पहले लगा देंगे, उसके बाद वाज वर्ब हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वी थ्री, फिर बाई और फिर यहाँ पर एजेंट आपको मिल जाएगा। तो इसे हम कैसे बनाएंगे पैसिव एक्टिव से पैसिव, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला जो एग्जाम्पल है वो है वाई, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड में वाई हो गया, डिड यू बीट हिम, ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस, इसको बनाना है पैसिव में। तो पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले वाई को, यानी कि ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है इसको पहले लिख देंगे, उसके बाद से जैसे हम बनाते थे ये आप देख सकते हैं जैसे हमने बनाया है, जैसे हमने बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने ये बनाया है, यानी कि इसी जो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसी प्रकार से अब हम इसको बना देंगे, यानी कि यहाँ पर हिम है तो हिम है तो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा सब्जेक्ट होगा तो ही हो जाएगा, तो ही के साथ क्या लगता है वाज लगता है, तो पहले हमने वाज लगा दिया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है, पहले सब्जेक्ट नहीं आता है, इसके बाद हम क्या करते हैं सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, तो हिम को हमने ही यहाँ रख दिया, और फिर यहाँ देखिए बीट का भीतरी क्या हो जाएगा, ये बीट का जो है भीतरी बीटेन हो जाएगा, और फिर बाई और फिर यहाँ पर एजेंट, यानी कि जो यू है सब्जेक्ट, इसको मैंने एजेंट के रूप में यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि हम डब्ल्यू एच वर्ड्स का भी पैसिव बना सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड यू डू इट, तो ये एक क्वेश्चन है हाउ डिड यू डू इट, यहाँ पर देखिए ये जो है हाउ जो है डब्ल्यू एच वर्ड्स के फैमिली का है, फिर यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा डिड और फिर यहाँ सब्जेक्ट और फिर यहाँ वी वन और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट। अब इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कमेंट करके कि इसका पैसिव क्या होगा और आप कितना समझे इससे पता लग पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले टेंस की तरफ, और अगला टेंस जो है इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका हम जानेंगे कि पैसिव कैसे बनाया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे बनाएंगे इसे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है इसका एक्टिव पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वाज एवर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका जो है एक्टिव पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वाज एवर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाने के लिए यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर रूल है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा हमेशा वॉइस में, कि वॉइस में आप समझिएगा कि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, यानी कि जो टेंस में होगा उसी टेंस में होगा, जैसे पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही रहेगा, है ना, टेंस चेंज नहीं होता है,
या प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं, टेंस चेंज नहीं होता है। अगर वो पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। और इतना ध्यान हमेशा रखना है कि अगर कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा अगर पैसिव बनाना है तो बीइंग का यूज़ किया जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज अवश्य किया जाता है, और तब भी थ्री लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पास्ट कंटिन्यूअस में भी, और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था उसमें भी बीइंग का यूज़ किया था। आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एग्जाम्पल में एक्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल में शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेल रही थी। इसका पैसिव बनाना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सी हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर वाज प्लेइंग जो है वाज प्लस वी फोर हो गया, इसके बाद से यहाँ क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे जब पैसिव इसका बनाएंगे, तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, जो क्रिकेट है इसको हम यहाँ पर ला देंगे सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। इसके बाद से इसके अनुसार यानी क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लग जाएगा। इसके बाद बींग का यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ बींग है तो बींग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से क्या करेंगे कि वी थ्री, यानी कि प्लेइंग का वी थ्री क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, प्लेइंग का वी थ्री प्लेड हो जाएगा, यानी कि प्ले का वी थ्री प्लेड होता है। इसके बाद से बाई, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी का, यहाँ सी जो है सब्जेक्ट, इसको हम एजेंट के रूप में यहाँ पर हर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम पैसिव बना देंगे किसका, तो इस प्रकार से हम पैसिव बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का। आप देख सकते हैं पैसिव कैसे बना। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर है यू वर हेल्पिंग मी, तुम मेरी मदद कर रहे थे। तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे कि हम बना देंगे सब्जेक्ट। इसके बाद वाज या वेयर लगता है तो क्या करेंगे, आई के साथ वाज लगेगा तो वाज लगा देंगे। फिर बींग का यूज़ करेंगे, बींग हो गया, उसके बाद से हेल्प, वी थ्री है हेल्प, तो यहाँ हमने हेल्पिंग का वी थ्री हेल्प लगा दिया। फिर बाई, और फिर एजेंट जो है यहाँ सब्जेक्ट यू है, तो इसको ला करके हम यहाँ रख देंगे एजेंट के रूप में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि पैसिव बना सकते हैं एक्टिव का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो नेगेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं इसका जो एक्टिव पैटर्न है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज एवर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, केवल नॉट लग जाएगा वाज एवर के बाद, बाकी पैटर्न वही रहेगा जैसा कि हमने पॉजिटिव सेंटेंस में देखा है। आगे बढ़ते हैं इसके पैसिव पैटर्न की तरफ, तो ये भी है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद वाज वर्ब हो जाएगा, फिर नॉट, और फिर मैंने जैसे बताया है कंटिन्यूअस में बींग का यूज होता है तो बींग लगा दिया, फिर वी थ्री, फिर बाई, और फिर एजेंट। अब चलते हैं देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे हम एक्टिव को पैसिव बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस के, एक्टिव को कैसे पैसिव बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ कि जो एग्जाम्पल है सी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो नहीं लिख रहा था रही थी। तो यहाँ पर देखिए एक आपको सेंटेंस मिला जो एक्टिव है, जैसे सी सब्जेक्ट है, वाज नॉट राइटिंग ये वर्ब हो गया आपका, और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसे हम अगर पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देख सकते हैं आप कि जो ए लेटर है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर, और ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का इस्तेमाल किया गया, फिर नॉट लगा दिया गया, फिर बींग लगेगा जैसा कि पैटर्न में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ही केवल आपको लिख देना है। उसके बाद से राइटिंग का जो V3 क्या होता है, रिटेन होता है, तो यहाँ पर रिटेन लिख दिया गया है, बाई है, उसके बाद से सी को हम एजेंट के रूप में याद करेंगे तो हर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम पैसिव बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैसे यहाँ पर दूसरा रूल है राम वाज नॉट टीचिंग यू, तो ये जो है सेंटेंस जो एक्टिव में है नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसका पैसिव आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका पैसिव क्या होगा, कितना तक आप इसमें समझ पाए हैं, और इस ये आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव जो पैटर्न होता है वो होता है वाज वर, एक्टिव पैटर्न क्या होता है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न है एक्टिव का। इसका पैसिव कैसे बनता है, तो पैसिव में देख सकते हैं आप पैसिव पैटर्न क्या है, वाज वर है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या है बींग का यूज़ किया गया है, फिर वी थ्री, फिर बाई प्लस एजेंट का यूज़ किया गया है पैसिव बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से इसका पैसिव बनता है। अब एग्जांपल के तौर के द्वारा देख सकते हैं कि कैसे हम इसका पैसिव बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको। आप इसे पूरा देखें, अच्छी तरह से देखें, और आपको वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं वॉइस का पूरा आपको सीरीज अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, आप वहाँ से देख करके और पूरी जानकारी वॉइस के बारे में ले सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपका आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ पर देखिए वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, ये एक
एक्टिव सेंटेंस है, यहाँ पर वाज है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, यहाँ प्लेइंग वी फोर है और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव बनाने के लिए हम इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। क्रिकेट को यहाँ लाने से पहले हम वर्ब कुछ चुनना होगा, हमें वर्ब चुनना होगा, क्योंकि अगर वर्ब नहीं चुनेंगे तो हम गलती कर बैठेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब लगता है फिर सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, ये क्रिकेट जो सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ वाज होगा, वाज हमने लिख दिया, यहाँ पर वाज क्रिकेट हो गया और फिर ये जो है ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको गलत कर दीजिए, या वाज क्रिकेट हो जाएगा, फिर बींग का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद V3 प्लेड हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स जो कि डब्ल्यूएच वर्ड्स से है, और डब्ल्यूएच वर्ड्स को भी हम इसी प्रकार से बनाते हैं, केवल क्या करते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड्स को भी इसी प्रकार से बनाते हैं, केवल हम क्या करते हैं कि इस डब्ल्यूएच वर्ड्स को शुरू में लिख देते हैं पैसिव के, बाकी जो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है वो हम इसी प्रकार से बनाते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर पैसिव बनाया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर पैसिव जो बनाया है हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जैसे हमने पैसिव बनाया है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पैसिव बनाना है। केवल जो ये जो है डब्ल्यू एच वर्ड, इसको यहाँ पर आप लिख देंगे डब्ल्यू एच वर्ड को, क्या करेंगे नीचे लिख देंगे शुरुआत में, बाकी वैसा ही सेंटेंस बनेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर पैसिव जो है इसका क्या है, हमने वाई को यहाँ लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। और आगे जो बनाएंगे हम जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाया है, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको जैसे बनाया है हमने, जैसे उसका पैसिव बनाया है उसी प्रकार से हम पैसिव बनाएंगे इसका भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे वर यू डूइंग इट है तो इट ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर वाज हो जाएगा। यहाँ पर वाज लगा दिया हमने, उसके बाद इट, इट का इट होता है सब्जेक्टिव बेस भी, उसके बाद बीइंग, तब फिर थ्री डन हो जाएगा, फिर बाई, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा एजेंट हो जाएगा, यानी यू को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये ऐसे बना सकते हैं हमारा आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आप लोग भी एक सेंटेंस बना करके, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ सेंटेंस व्हेन वाज सी टीचिंग यू, एक सेंटेंस मैंने याद दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बना करके इसको बताएं कि कैसे बनेगा, ताकि हम जान पाए कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही, और आगे हम लोग मिलेंगे अगले टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।